नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल YouTube StudyMaker.99 में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं औसत का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, दो अंकों की सभी संख्याओं का औसत बताइए। इनकी दो संख्याओं का, इनकी 100 तक की जो दो संख्या है, यानी कि दो जोड़ा बनता है। जैसे कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, एक एक दो दो, यानी कि दो अंकों की सभी संख्याओं का औसत मान बताना है। तो दो तक की सभी संख्या आपको कहाँ से मिलेंगी, तो आपको निकालना पड़ेगा दो कहाँ से शुरू होता। दो होगा आपका 10 से, ठीक है। तो क्वेश्चन में है आपके आपका 10 से, कहाँ से, 10 से दो अंकों की सभी का आपको औसत बताना है। क्या बताना है, औसत। तो आप क्रम तरीके से लिखते चलेंगे, दो दो हो गया, दो के बाद दो अंक कौन सा आएगा, 11 12 13, ऐसे डॉट डॉट करके आपको पूरा 9 तक, 99 तक, कितना तभी होगा आपका दो। 99 के बाद तीन संख्या लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका 100 आने वाला है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो सिर्फ आपको सभी दो संख्याओं का औसत बताना है। अब इसका औसत बताने के या तो एक ये तरीका होता है कि आपको सबको जोड़ लीजिए और जितनी संख्या उसका भाग दीजिए, तो अंत इतने में तो टाइम हो जाएगा। इसलिए आप इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, औसत का एक फॉर्मूला होता है a प्लस एल अपॉन टू। इस फॉर्मूला में आप संख्या फुट कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। वो देखिए कैसे, जैसे कि a का मतलब होता है प्रथम संख्या, यानी कि 10, और l का मतलब होता है लास्ट संख्या, यानी कि 99। अपॉन में लिखना है आपको दो, कितना लिखना है, दो। अब आप इसको जोड़ देंगे, 10 और 99 में कितना होगा आपका, 109। कितना होगा, 109। 109 में देना है आपको दो से भाग, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। दो से भाग चलिए देते हैं, दो से भाग आप जब देंगे तो आप यहाँ पे क्रम तरीके से दो का भाग 9 में, 109 में दे सकते हैं। भाग दे के जो संख्या आएगी आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, 54.5। मैंने आंसर बता दिया, इसका भाग दे के आपकी संख्या आएगी, इनकी आपका राइट आंसर हो गया। या तो आप संख्या का जोड़ा करके लिखिए, या फिर इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें आप संख्या चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि दो अंकों का पूछा, आप तीन अंकों का निकाल सकते हैं। जैसे कि प्रथम तीन संख्याओं का औसत मान क्या होगा, ऐसे इस प्रकार से। तो अगर आपको क्वेश्चन की ट्रिक और फॉर्मूला समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।